मनोवर आपने कहा कि मुन्ना मुन्ना कहकर कहीं ना कहीं पीछे के जो वॉर है उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको ऐसा लगता है कि अंकिता या अन्य कंटेस्टेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको हल्के में ले लिया था एक चीज़ ये दूसरी चीज़ आप और अंकिता कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है एक दूसरे के प्रति जो भी व्यवहार था आप लोगों का आप लोग चाहेंगे उसे मेंड करना अब क्योंकि अब जिस तरह से अब हम शो कर चुके हैं मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक अंकिता और मेरी बात है अंकिता बहुत मच्योर है और बहुत सेंसिटिव है मैं उनको समझता हूँ और उसी वजह से उनका हर्ट भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बट उनका भी एक सिचुएशन चल रहा है और मैं हूँ ऐसा इंसान के कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइफ में मुझे कभी कभी प्रॉब्लम भी देती है कि मैं जाकर चीज़ों को सॉल्व करने से बेहतर वक्त देने में बिलीव करता हूँ और कहीं ना कहीं यहाँ हम दोनों का वो जोन चलता है बट दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे को बिल्कुल पता है कि इतनी खटास नहीं है और ऐसी कोई दरार नहीं है जो फ़िक्स ना हो सके और रही बात हल्के में लेने की तो नॉट अंकिता की बात नहीं है बाकी पूरे घर वाले आ, नौ हफ्तों तक आ, मेरे को सब ने हल्के में लिया ही नहीं था कोई भिड़ता ही नहीं था कोई सामने आता ही नहीं था कि वो फिर किसी के वो होमवर्क बोलो या जो भी बोलो कोई आता नहीं था आड़े में अपने लेकिन नौवें हफ्ते में जरा भाई ने बोला कि इसका ग्राफ नीचे जा रहा है ये वो ये वो तब के तू ठंडा दिख रहा है वो और फिर वो आयशा आयशा की एंट्री हुई की तो आयशा की एंट्री के, के बाद लगा नहीं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बाकी पूरे घर की बात करो आयशा के एंट्री बाद भी लगा कि वो कहीं मौका मिला है, शेर दबाने का वगैरह समझ रहे हो तो उसमें थोड़ा लोगों ने वो शुरू किया हल्का फुल्का और मैं बहुत लो था जेन्यूनली मैं बहुत एम्बेस था और मैं जेन्यूनली बहुत हैप्पी हूँ सिचुएशन के लिए अगर बाहर की दुनिया में शायद वो सिचुएशन हुई होती मैंने हैंडल कर लिया होता यहाँ मैं जब जस्ट बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पाया इसलिए मुझे पता चला कि मैं कितना गलत हूँ बाहर शायद मैं रियलाइज़ ना होता तो उस चक्कर में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि लोगों ने थोड़ा हल्के में लिया था और रिकवर होने टाइम लगता है तो जब रिकवर मैं हुआ तो दो लोगों को तो दरवाज़ा दिखा दिया टेनल हाँ टनल दो लोगों को तो दिखा दिया तो बाकी का बस मजबूती से खड़े और मेहनत कर रहे कि यहाँ पे सब लोग ही धुरंधर ही है अभी जैसे बिग बॉस ने बोला जेन्यनली सब लोग धुरंधर है तो उसके अंदर और मेहनत है तो वही शुरू हो चुकी है दो हफ्ते से तो मुन्ना खटक रहा